14 साल की बच्ची जिसने न जाने कितने सपने संजोए होंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जो दिन रात एक कर लगन से पढ़ाई करती थी, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि पढ़ाई को लेकर बच्ची का मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाएगा कि वो अपने ही हाथों से अपनी जान ले लेगी। झज्जर के गांव में रहने वाली साक्षी जो कि 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, वो अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुकी है। जरा सोचिए क्या बीती होगी उन माँ बाप पर, शायद वो अब खुद को अपनी बच्ची का गुनहगार समझ रहे होंगे। कल एक 14 साल की लड़की ने, साक्षी ने जो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसने अपने पढ़ाई की मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या कर दी, फांसी लगा घर पे ही। घर पर? अच्छा, पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी रख दी, डॉक्टर साहब को कागज दे रखे, कार्रवाई चल रही है। कोई सुसाइड नोट वगैरह? नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। ठीक। फिलहाल अभी यूं कहा जा रहा है कि बच्ची पढ़ाई के स्ट्रेस को लेकर डिप्रेशन में जा चुकी थी, लेकिन शायद पुलिस के गले ये बात पूरी तरीके से उतर नहीं रही, इसीलिए आत्महत्या किए जाने के पीछे मुख्य वजह क्या रही होगी, इस बात का खुलासा पुलिस जांच के बाद हो पाएगा। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रा के शव को फांसी के फंदे से नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।